हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया नेटिंग कंपनी। फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा सीउन से, बिल्कुल इतने सीउन से, ये और थोड़ी सी वाइट ऊन एक बहुत ही खूबसूरत आइटम बनाएंगे, ठीक है? बहुत ही, और तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेरा रोज़ का एज यूजल ये क्रोशिया हुक है, ये देखिए 4 नंबर का, 2.5 mm का, ठीक है फ्रेंड्स? आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लाइट पिंक कलर की, बेबी पिंक है कलर, इसको ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? इसको ले लेंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बना ली फ्रेंड्स, मैजिक रिंग बना ली, इस तरह से निकाल लिया, ठीक है? हमेशा बनाते ही हैं। अब दो चैन ले लेंगे, एक और दो, ये जो गोला बना है इसको मैजिक रिंग घूम दे, ठीक है? और इस टेल से ये इस धागे को खींचते हैं तो ये छोटा बड़ा हो जाता है, इसको मैजिक रिंग घूमते हैं। अब फ्रेंड्स, क्रोशे पर धागा लेकर हम इसी मैजिक रिंग के अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार, नौ डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, चार, एक ये चैन का हो गया पांच, चार और बनाकर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये बेबी पिंक कलर, लाइट पिंक कलर के से मैंने पहले मैजिक रिंग बनाई, फिर उसमें नौ डबल क्रोशिया, दो चैन बनाकर आठ डबल क्रोशिया, टोटल नौ डबल क्रोशिया बना लिया। अब मैंने दूसरा ये वाइट कलर का इसी मैजिक रिंग में, है ना, दूसरा कलर वाइट जोड़ूंगी, ठीक है? इस तरह से पकड़ते हुए, है ना? अब मैं क्या करूंगी फ्रेंड्स, ये यूं लगा के इसको इसमें जोड़ देंगे, वाइट कलर, ये देखिए इस तरह से, ये और ये दो, ठीक है? एक वाइट से अब मैं बनाऊंगी, एक डबल क्रोशिया तैयार हो गया वाइट से, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर चार, इस तरह से मैं वाइट के 13 डबल क्रोशिया बना के आपको, आपसे मिलती हूँ। ये फ्रेंड्स, मैंने इसी मैजिक रिंग में 9 तो मैंने पिंक से बना लिया और 13 बना लिया मैंने वाइट से डबल क्रोशिया, ठीक है? अब इस मैजिक रिंग को छोटा कर दूंगी, ये वाला धागा खींच के, ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये छोटा हो गया ना फ्रेंड्स, छोटा हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे और इसको छोड़ देंगे फ्रेंड्स, और इसको भी अभी छोड़ देंगे। पिंक कलर की ऊन का काम खत्म हो गया, कट कर देते हैं। ये देखिए पिंक कलर की ऊन मैंने कट कर दी फ्रेंड्स, ठीक है? अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो ये वाला थ्रेड है इसको मैं पीछे ले लूँगी अभी। अब यहाँ से यहाँ तक आ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गए, मैजिक रिंग को छोटा कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसी वाइट ऊन से, इसी वाइट ऊन से यहाँ स्लिप स्टिच लेके, दो चार मिनट थे शुरू में, यहाँ स्लिप स्टिच लेके जोड़ लिया, मतलब स्लिप स्टिच ले लिया यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स? अब ये जो ये ऊपर चैने दिख रही, इसमें हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे फ्रेंड्स, बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। ये देखिए इस तरह से इन चैनों में, फर्स्ट वाले चैन में यहाँ से शुरू, यहीं से शुरू कर देंगे, ये देखिए,
एक एक दो पिंक कलर के ऊपर जो ये चरण दिख रही, इन सभी में एक एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाकर यहाँ से यहाँ तक बना लूँगी और आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा है ना, बताती हूँ मैं आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, वाइट पोर्शन में हम यहाँ तीन चैन लेके एक चैन नीचे स्किप करके ये कंगूरा बना लिया हमने। तीन चैन लेके फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन लेके वाइट वाले पोर्शन की तरफ, फिर तीन चैन लेंगे एक दो तीन, फिर एक चैन यहाँ बीच में स्किप करके एक यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर देंगे, फिर तीन चैन लेंगे एक दो तीन, फिर एक चैन स्किप करके यहाँ हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगल क्रोशिया से जोड़ लिया तो ये हमारे कंगूरे बन गए फ्रेंड्स। ठीक है, अब फिर मैं एक चैन लेके पलट जाऊंगी और इन कंगूरों को भर दूंगी। कैसे फ्रेंड्स, पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन का एक कर देंगे। ठीक है, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक बार दिया दो बार लिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, तीन का एक कर देंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, और फिर ये जो बीच में मैंने सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया था वहाँ पर स्लिप स्टिच ले लेंगे। इस तरह से लेके इस तरह से यहाँ जॉइंट कर देंगे, फिर नेक्स्ट वाले कंगूरे में आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक सिंगल क्रोशिया, फिर ऊपर वाले क्रोशिया के फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, तीन का एक कर देंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, दो का एक, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर वापस तीन का एक, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था, जॉइंट किया था, वहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेके इस तरह से ये कंगूरों को मैं सजा लूँगी फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा करके मिलती हूँ। ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया कंगूरे के अंदर, फिर ये लिया ताका इसके मून इसके ऊपर ली, फिर तीन का एक कर दिया, ये हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है, फिर एक डबल क्रोशिया, ये देखिए एक दो का एक, दो का एक। ठीक है, पहले चढ़ते हुए सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर वापस हाफ डबल क्रोशिया नीचे उतरेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, और यहाँ जो सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया था वहाँ पर मैं स्लिप कर्व देने के लिए स्लिप स्टिच ले लूँगी। तो ये हमारे कंगूरे सज गए फ्रेंड्स, पूरा करके मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने कंगूरे ये इधर कंगूरे सजा लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अब तो आइडिया हो गया होगा मैं सांता क्लॉज का फेस बना रही हूँ, मस्त मौला जो मैं ऐसे बच्चों को गिफ्ट देता है क्रिसमस पर, ब्लेसिंग्स देता है, तो मैं सांता क्लॉज का फेस बना रही हूँ। अब मैंने फर्स्ट राउंड मेरा कंप्लीट कर लिया, ये इधर का पोर्शन दाढ़ी का पोर्शन है, ये हेड का सिर का पोर्शन है। ठीक है पर्सन, तो मैं ये दाढ़ी का पोर्शन में मैंने ये एक राउंड पूरा कर लिया, इधर वो जो कंगूरे बने थे उनको पढ़ लिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर स्लिप स्टिच, लास्ट में आ गए एक दो तीन। अब मैं यहाँ तीन चैन लेके मैं पीछे की ओर आ गई हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ मैं एक इस तरह से इसको मोड़ के, है ना, मोड़ के फ्रेंड्स ये सिंगल क्रोशिया बना दूंगी, फिर तीन चैन ले लेंगे एक दो तीन, फिर यहाँ बीच में ये जो जगह है यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया
कर दूंगी। एक लेयर और बनाएंगे कंगूरों की, या कंगूरे तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये सांता क्लॉज की बियर्ड दाढ़ी दाढ़ी बन रही है, ठीक है। फिर तीन चेन लेंगे फ्रेंड्स, एक दो तीन। फिर ये नेक्स्ट वाला है, ये है ना कंगूरा, इसके नीचे यहाँ पर क्रोशिया हुक डाल के इसको सिंगल क्रोशिया से मैं जॉइंट कर दूंगी, ठीक है। ये कंगूरे बन के तैयार हो गए फ्रेंड्स। फिर एक दो तीन, ये नेक्स्ट वाले में आ गए, यहाँ यूँ क्रोशिया हुक डाला और ये सिंगल क्रोशिया कर दिया। तो ये हमारे ये क्रोशिया से ये कंगूरे बन के तैयार हो गए। तीन, ये लास्ट वाले में आ गए फ्रेंड्स, और यहाँ मैंने यूँ डाला और ये तैयार कर दिया फ्रेंड्स, ज्वाइंट कर दिया सिंगल क्रोशिया से। अब फ्रेंड्स इन्हीं कंगूरों को मैं अब तीन चेन लेके, एक चेन लेके पलट जाऊंगी और इन्हीं कंगूरों को मैं भर लूंगी। जैसे यहाँ इस फर्स्ट वाले भरे थे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, तीन का एक कर देंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, दो का एक कर लेंगे, फिर वापस एक हाफ डबल क्रोशिया, तीन का एक कर लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया। और जहाँ मैंने ये सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया था वहाँ मैं स्लिप स्टिच से इसको कर्व दे दूंगी, ठीक है। तो ये हमारी दाढ़ी बन के तैयार हो रही है, कंगूरे भी सज रहे हैं। नेक्स्ट वाले में आ जाऊंगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में कंगूरे में आ जाऊंगी, एक सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा करके मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नीचे मैंने बना ली ये सांता क्लॉज की दाढ़ी बियर्ड, और ऊपर मैं कैप बनाऊंगी, ये फेस है। अब यहाँ पर कैप बनाऊंगी रेड कलर की ऊन से, ठीक है। तो मैंने यहाँ रेड कलर की ऊन ले ली है और यहाँ इसको मैं जॉइंट कर दूंगी फ्रेंड्स, ठीक है, जॉइंट कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से क्रोशिया हुक डाल के खींच लूँगी, ठीक। और अंगुली पर ये ऊन लपेट के यहाँ एक चैन बना के आगे, ये जो वाइट सिंगल क्रोशिया बनाए हैं ना मैंने इन चैनों पर, ये चैनें दिख रही इन्हीं पर यहाँ यहाँ से यहाँ तक एक एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। ये देखिए, ये हम ऊपर कैप बना रहे हैं सांता क्लॉज की, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है फ्रेंड्स, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो बहुत सुंदर सा क्यूट सा सांता क्लॉज बना रही हूँ मैं आज, देखिए तो सही। आगे आके फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। और फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा कैसे बन रहा है ना। और फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं, वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपके मन की इच्छा होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर एक चैन लेके मैं पलट लूँगी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, अब घटाऊंगी, यहाँ से एक बना लिया फिर दूसरा बना लिया, ये तीन हो गए, तीन का एक कर दूंगी, तीन का एक कर दूंगी, फिर वापस एक एक सिंगल क्रोशिया। शुरू में घटा दिया मैंने, फिर या ये जो बने हुए हैं सिंगल क्रोशिया इनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाकर मिलती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ मैंने तीन का एक कर दिया, इधर भी आते आते मैं तीन का एक कर दूंगी फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए, ये कैप बन रही है सांता क्लॉज की, और एक लाइक तो बनता ही फ्रेंड्स, तो लाइक माय वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स।
और फ्रेंड्स, आज मतदान दिवस है, वोट डालने जरूर जरूर डाए, समय निकाल कर। आपका एक वोट बहुत कीमती है। लास्ट में आ गए हम, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं मुड़ जाऊंगी, वापस पलट जाऊंगी, एक चैन लेके पलट जाऊंगी और सीधा यहाँ आ गए, सीधी तरफ। तो एक बना लिया, फिर दो बना लिया, फिर तीन का एक कर दिया, ये देखिए घटा देंगे, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम यूँ कोनिक सेक्शन टाइप एक कैप बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं ये कैप कंप्लीट करके मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऊपर कैप बना ली, कितनी सुंदर। और लास्ट में आ गए, एक बंदा रह गया मेरा, ठीक है। इसको एक चैन लेके इसको लंबा खींच देंगे इस तरह से, लटकाने के हिसाब से। ये देखिए इतना लंबा खींच दिया मैंने, ठीक है। और ये जो इधर थोड़ा सा ऊन बच गई है, इसको मैं इधर लेके अंदर लेके फ्रेंड्स, और ऐसे क्रोशे उसे मैं अंदर की ओर खींच लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारे ये इसकी कैप तैयार हो गई है। अभी मैं एक्स्ट्रा थ्रेड को हाइड करके यहाँ आपको मैं फेस के लिए ये रेड मोती और दो आंखें लगाकर दिखाती हूँ कैसे लगानी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने ये सुबह लाल धागा पर धो लिया है, ये लाल मोती ले लिया है, यहाँ ये मेरा बीच का है, ये इसको मैं छोटा करा है मैंने, ठीक है। और यहाँ मैं धागा डालकर है ना ये मोती लगा लूँ फेस बनाने के लिए, और ये छेद भी बंद हो जाएगा, दोनों बातें हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ मोती लगा लूँ, ये फेस बन गया है ना। अब फ्रेंड्स आंखें बनानी है, आंखें बनाने के लिए यहाँ यहाँ मैं फ्रेंड्स इस जगह में काले मोती लगा दूंगी, मेरे पास है तो दो आंखें बना लेंगे सांता क्लॉज की। ये देखिए पीछे चले जाएंगे, ये एक आँख बन गई। अब यहाँ आ जाएंगे दूसरे वाली आँख बनाने के लिए, ये दूसरा मोती लगा लेंगे। तो अब लगभग हमारा सांता क्लॉज का फेस बनकर तैयार है फ्रेंड्स। मैंने आँखें भी लगा दिए और ये ठीक है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इसको सही करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेरा ये इसमें मोती डाल दिया है और मेरे सांता क्लॉज का प्रिटी सा फेस बनकर तैयार हो गया, कितना सुंदर बना फ्रेंड्स। इसको आप देखिए चैन काम में ले सकते हैं और इसको क्रिसमस ट्री पर भी सजा सकते हैं, कितना सुंदर बना फ्रेंड्स है ना। तो आप भी बनाइए और अपना क्रिसमस ट्री को सजाइए, और आपके कोई क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं उनको ये बनाकर गिफ्ट कीजिए, कितना सुंदर बना फ्रेंड्स है ना। तो बनाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कितना सुंदर प्रिटी सा क्यूट सा सांता क्लॉज का फेस बनकर तैयार हो गया, विद कैप। ऊपर मैंने हैंडल भी लगाया है, बीट्स भी लगाया है ना। इसका है आप देखिए चैन, और
इसको आप क्रिसमस ट्री पर भी लगाइए, सुंदर बनाना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेरे फर्स्ट राउंड में 11 डबल क्रोशे बना लिए और ये तीन चैन, तो टोटल 12 डबल क्रोशे हो गए। अब मैं इस मैजिक रिंग को छोटा कर देती हूँ इसको खींच कर।